Hi guys, I'm heading towards Jabal Jais and this place is around 80 km far from this place. So I'll meet you guys there. Stay tuned. आफ्टरनून का टाइम था तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो हमने पेट्रोल पंप के पास गाड़ी रुकी थी, तो मैंने वहीं ड्राइव थ्रू से मैकडी से कॉफ़ी उठा लिया। बाहर सच में बहुत गर्मी हो रही थी, बस अभी निकल के रास्ते में वापस। सो वी आर एट टेक व्यू एंड बहुत मस्त व्यू है यहाँ का। ये बेसिकली एक व्यू पॉइंट है और इस रास्ते से ट्रैकिंग स्टार्ट होती है वो ऊपर के लिए। सो हम ट्रैकिंग पे तो डेफिनेटली नहीं जा रहे। सो ऐसे व्यू बहुत मस्त है यहाँ का। ठंड बहुत लग रही है और धूप भी है, तो साथ में मज़ा आ रहा है और फैमिली के साथ तो वैसे भी मज़ा आता है। सो अभी भी इंजॉय करो, अभी डालता हूँ। और यहाँ मैं जा रहा हूँ ऊपर की तरफ, और ये साइड का जो पार्ट था ना, यहाँ पे ऐसे बैरियर्स इसलिए लगाए हुए थे क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी था। आप इस पे खड़े हो तो पैर स्लिप हो रहा था, इसीलिए साइड के स्टेयर्स खुला रखा था लोगों के ऊपर जाने के लिए, और हम स्टेयर्स से ऊपर जा रहे थे। एंड बस ऊपर जा कर के मिलता हूँ आपसे। धूप काफ़ी तेज़ है, सो ऊपर चलते। ऊपर कुछ रेस्टोरेंट टाइप है, कुछ खाने पीने का देखते हैं। एंड यहाँ ऐसे बैठने के लिए बना हुआ, आप बैठ सकते हो अगर आप थक गए तो, क्योंकि मैं डेफिनेटली बैठूंगा क्योंकि मैं सबसे पहले थक जाता हूँ। सो द व्यू इज स्प्लेंडेड गाइज, टोटली लविंग इट। एंड यहाँ के टिकट भी काफ़ी सस्ते थे, नॉट दैट एक्सपेंसिव, जस्ट 5 dirhams। तो एंड इस व्यू के लिए इट्स डेफिनेटली वर्थ इट, मज़ा आ रहा है यार। तुम लोग भी ज़रूर आना अगर इधर आते हो घूमने तो।
ये है फूड जोन, तो अभी कुछ खा लेते हैं। ट्रैकिंग कर करके बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। मैंने मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के बाद लंच भी हमने नहीं किया, हमने सोचा यहीं आके करेंगे। सो अभी यहाँ आ चुके हैं, अभी देखते हैं यहाँ मिल क्या रहा है, उसके बाद कुछ खाते हैं, उसके बाद मिलता हूँ आपसे। देखते पहले ऑर्डर क्या करते हो, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। और गाइस पता है अभी मेरे साथ क्या हुआ कि अभी हमने यहाँ पे कुछ नाश्ता किया, खाना खाया और मैं सब कुछ शूट कर रहा था, और लास्ट में जब मैंने फुटेज देखा तो मैं रिकॉर्डिंग बटन ऑन करना भूल गया था, इसलिए मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाया। इसलिए आई एम सो सॉरी, मैं आपको दिखा नहीं सकता। और बस यहाँ से हम वापस निकल गए अपने जर्नी पर, और अभी हम लोग जा रहे हैं आगे की तरफ। इस पूरे जगह में आपको बस यही पहाड़ों दिखेंगे, ये पूरे मरे हुए पहाड़, कहीं भी आपको पेड़ वेड़ कुछ नहीं दिखेगा, और बस यही व्यू है। और ये पूरा रास्ता आप लॉन्ग ड्राइव के लिए आ सकते हो यहाँ। यहाँ ठंड काफ़ी होती है लेकिन मज़ेदार भी बहुत होता है, और चारों तरफ रेत ही रेत है यहाँ, तो बस इसी चीज़ का मज़ा है यहाँ। आओ इन्जॉय करो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, दैट्स ऑल। यहाँ मैं वापस जा रहा हूँ दुबई की तरफ, क्योंकि और पता है वहाँ से निकलते निकलते शाम हो गया था, और शाम में ठंड और भी ज़्यादा बढ़ गई थी क्योंकि हाइट काफ़ी ज़्यादा होता है उस जगह का, और आपको लिटरली प्रेशर फील होगा अपने कानों में। आप जैसे जैसे हाइट पे जाओगे ना, वैसे वैसे आपके कानों में प्रेशर फील होगा, और जैसे जैसे नीचे आओगे वैसे वैसे आपको नॉर्मल से आपको फील होगा वो कि आप कहीं ऊँचे हाइट पर जा रहे हो। और बहुत ज़्यादा मज़ा आया गाइस। एंड ये देखो आ गए हैं वापस दुबई में, सामने आपको बुर्ज खलीफा दिख रहा है, और नेक्स्ट व्लॉग में मैं बुर्ज खलीफा के टॉप पे जाऊंगा, वो भी आपको दिखाऊंगा। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो।